अच्छी चीज़ें जो होती हैं, फेवरेबल चीज़ें होती हैं, प्रोडक्टिव समथिंग, इफ समथिंग इज प्रोडक्टिव इट इज़ नोन एज एसेट, एंड इफ समथिंग इज बर्डन ऑन यू, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी। सपोज आपके पास एक बफेलो आपने एक डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ है, बट वो बहुत ही बीमार रहता है, बीमार है, या फिर उसके ऊपर आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो जो बफेलो है आपके लिए जो है एक एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ बर्डन ऑन यू, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर लेकिन वही अगर आपको बहुत अच्छा मिल्क आपको उससे मिल रहा है, आप उसको सेल करके अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो देन दैट इज़ एसेट फॉर यू। उसी तरह से कोई एक लैंड है, लैंड अगर प्रोडक्टिव है तो वो आपके लिए एसेट होगा, अगर वो अनप्रोडक्टिव है, आपके किसी काम का नहीं है, तो वो लाइबिलिटी होगा। सो एसेट इज समथिंग पॉजिटिव एंड लाइबिलिटी इज बर्डन, इट इज नेगेटिव थिंग। ऑलराइट, सो पीपल एज ए रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या होता है। रिसोर्स इज सिंपली एनीथिंग अवेलेबल ऑन द अर्थ और प्रोवाइडेड बाय द नेचर विच सस्टेन्स और विच फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इज नोन एज अ रिसोर्स। एनीथिंग अवेलेबल ऑन द अर्थ विच इज हेल्पफुल फॉर आर सर्वाइवल, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एंड दे सेटिस्फाई आर रिक्वायरमेंट और नीड्स, दे फुलफिल आर नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। एंड देर आर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल लैंड, सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज, बिकॉज वन इन वन और दी अदर वे दे आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। सो ह्यूमन वॉन्ट इट मीन्स दैट एवरी थिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन। इफ एनी थिंग ऑन द अर्थ इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स, एंड इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, इट इज नॉट कॉल्ड अ रिसोर्स। इट मीन्स दैट पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑन द अर्थ। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग्स ह्यूमन बींग्स आर द सेंट्रल टू एवरी थिंग, मतलब हम ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रख के ही हर चीज़ की स्टडी करते हैं। सो एवरी थिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन्स पीपल, बट द अदर थिंग इज दैट पीपल आर वन ऑफ द रिसोर्सेस। जो मानव है, मनुष्य है, वो खुद भी एक रिसोर्स है। एंड नाउ हाउ, अब हम देखते हैं कि पीपल, हाउ पीपल आर रिसोर्स। इनफैक्ट इट इज सेड दैट पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स फॉर अ कंट्री। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, उनसे भी बढ़कर जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स है वो कौन है, मनुष्य, मानव। अगर मानव नहीं प्रेजेंट है, इफ पीपल इज नॉट देयर, हु इज गोइंग टू यूज ऑल दीज नेचुरल थिंग्स, हु इज गोइंग टू कन्वर्ट नेचुरल थिंग्स इन टू रिसोर्सेज, नो बडी। All right, so resources are there because of population, because of people, because people जो होते हैं, लोग जो होते हैं, मान लो ये मनुष्य है, इसने क्या किया, ये जो लैंड है हमारा, उसको उस पर खेती की और उस पर क्या किया, एग्रीकल्चर किया। इट मीन्स लैंड को कौन, हु इज यूटिलाइजिंग लैंड, पॉपुलेशन, मनुष्य, और उस पर वो खेती कर रहा है। सिमिलरली रिवर है, रिवर का पानी है, उसे कौन यूटिलाइज करता है, पॉपुलेशन यूटिलाइज करती है, और उसे पानी जो है पीने के लिए और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करती है। सो पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, विदाउट पीपल नथिंग कैन बी यूज्ड एंड नथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्स। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीपल एज रिसोर्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ मोर एंड अबव देन द नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स फॉर अ कंट्री। इफ पीपल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज एजुकेटेड, इज हेल्दी, इज स्किल्ड, then that country will develop on the and vice versa. Now I will give you one example also. Vice versa means opposite. ठीक है? Now I will give you one example of India and Japan. Alright? Now इसका answer आप ही मुझे बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, India and Japan. Now India has a huge population, alright? And India has a huge amount of natural resources also, because the land area of India is more than Japan. So India has both the things available, like huge population, second largest population in the world, as well as huge amount of natural resources, whether it is water, land, soil, everything is present in India, minerals, sab kuch India mein present hai. On the other hand, Japan has less population, Japan ki population bhi kam hai, and natural resources na ke barabar hai, matlab bahut kam natural resources hai, because you know that Japan is an island. And moreover, it faces natural calamity one or the other year. वहाँ पे हमेशा volcanic eruptions या earthquake आता ही रहता है.
तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, एंड दे ऑलवेज फेस नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलेमिटीज. नाउ बट स्टिल विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड, कैन यू टेल मी? जापान. जापान इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया. नाउ व्हाई, कैन यू टेल मी व्हाई? इंडिया इज यू नो लीडिंग इन बोथ द थिंग्स, पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया हैज मोर रिवर्स, इंडिया हैज मोर minerals, India has a more fertile soil, everything is present in India, but still why Japan is developed and India is still leading, still lagging behind? What is the main reason? What is the one thing which is present in Japan which has made it into a developed nation? Can you tell me? Come on children, you can try. इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो natural resources से भी बढ़कर है ना. हम ये कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे एडवांस होंगे. बट जापान का आप एग्जांपल देखिए, जापान में तो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट भी नहीं है, बहुत कम है, बट स्टिल व्हाई दे आर डेवलप एडवांस्ड, हाउ दे आर अर्निंग देयर मनी, हाउ देयर इकोनॉमी सो डेवलप, व्हाट इज द मेन रीजन बताइए. चिल्ड्रन एटलीस्ट यू कैन ट्राई, डोंट सिट लाइक आइडल, यू कैन गिव सम एग्जांपल, सम आंसर. सिद्धार्थ बेटा, यू आर चिल्ड्रन, यू आर स्टडिंग द नेम ऑफ द चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स. पीपल, वी आर स्टडिंग अबाउट पीपल एज रिसोर्स, सो यू कैन रिलेट दिस थिंग विद द नेम ऑफ द चैप्टर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एज रिसोर्स, दैट सारे रिसोर्सेज में से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका क्या है? पॉपुलेशन, मनुष्य. अगर हम नहीं होंगे तो पृथ्वी पर कोई भी और रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा. हम हैं तो हम पानी को भी इस्तेमाल करते हैं, हम लैंड को भी यूज करते हैं, हम वाटर को भी यूज करते हैं, हम फॉरेस्ट को यूज करते हैं टू मेक डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर रिसोर्सेज को कौन यूज करेगा? रिसोर्स तो बन ही नहीं पाएगा. तो जापान में क्या है फिर ऐसा जो इसको इतना एडवांस बनाता है इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बताइए जल्दी. बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब चैप्टर का नाम ही पीपल है इसका मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस पीपल, ऑलराइट. सो द पॉपुलेशन ऑफ जापान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट फॉर जापान. नाउ यू कंपेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड जापान. जापान हैज लेस पॉपुलेशन, वेयर एज इंडिया हैज हाई पॉपुलेशन. But still Japan is advanced because the population of Japan is highly educated. Hai sir? Yes or no? Yes ma'am. Yes. People of Japan, they are highly educated. They are well-behaved people. They are very honest people. ये सब मोरलिटी होती है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि आपको जापान जो देख के कुछ लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ही मोरली, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, करप्शन वहाँ पे कम है, देन दे आर टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड पीपल, दे हैव टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल्ड इन देम. टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तो आप जानते ही, क्या होता है जो ट्रेंड होते हैं, एंड स्किल क्या होता है, वो अपने किसी ना किसी काम में दक्ष हैं, सक्षम है. मान लो एक डॉक्टर है, ही इज स्किल्ड इन डॉक्टर. मैं टीचर हूँ तो मैं अपने टीचिंग के प्रोफेशन में स्किल्ड हूँ. तो अगर आपको कोई ना कोई काम आता है, मान लो एक लोहार है तो लोहे का काम करता है, तो उसको हम स्किल्ड कहेंगे कि वो लोहार लोहे के काम में स्किल्ड है. सोनार है, उसको हम कहेंगे कि ये वेरी यू नो ऑनेस्ट पीपल, दे वर्क वेरी हार्ड, हार्ड वर्किंग पीपल है. तो जब इस तरह के लोग आपके देश में रहते हैं तो वो बहुत ही सिंसियरली काम करते हैं, एंड व्हेन दे विल वर्क सिंसियरली दे विल डू इनोवेटिव वर्क. वो इनोवेशन करते हैं, दे डेवलप टेक्नोलॉजी. आपने पता है ना जापान में जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं या बहुत सारे जो कार की कंपनीज हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दे कम फ्रॉम जापान, बिकॉज उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को काफ़ी विकसित कर लिया है, काफ़ी जो है आगे कर लिया है. और टेक्नोलॉजी को आज के टाइम में ज़्यादा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. टेक्नोलॉजी है या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इनकी ज़्यादा कीमत है मार्केट में. मैम वहाँ पे 6G भी आ चुका है. यस कौन आ चुका है? मैम वहाँ पे 6G भी आ चुका है. यस करेक्ट. ऑलराइट, सो जापान इज ए एडवांस कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन पॉपुलेशन.
पॉपुलेशन ऑफ जापान इज वेरी यू नो हार्ड वर्किंग, देर इज लेस करप्ट, देर इज लेस और वेरी यू नो लेस करप्शन है, ना के बराबर तो नहीं है. अब ऑन द अदर हैंड इंडिया, एंड वी हैव यू नो वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द स्टिल इन द वर्ल्ड, स्टिल वी आर नॉट वेरी डेवलप्ड. बाय बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, दे डोंट नो एनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, दे डोंट हैव, दे आर नॉट स्किल्ड पीपल, बीमार रहते हैं, हेल्दी नहीं है. जापानीज पीपल हेल्दी होते हैं, दे आर इंडियन पीपल हेल्दी नहीं है, बीमारियां बहुत सारी हैं, लाइफ स्टाइल बेकार है, करप्शन है. सो ये एटीट्यूड क्या है हमारा, निगेटिव एटीट्यूड है. हम लोग काम करने को लेके बहुत ज़्यादा जो है डेडिकेटेड नहीं है, जहाँ हमें मौका मिलता है हम वहाँ पे सेल्फिशनेस या कामचोरी दिखाने की कोशिश करते हैं. ये सबके लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडियन पॉपुलेशन का. दैट्स वाई वी आर नॉट एडवांसिंग, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आर नेचुरल रिसोर्सेज. अगर एक देश की पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी तो वो अपने अदर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेगी, कैसे बेहतर बनाएगी. इसीलिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद स्टिल वी आर नॉट एबल टू डेवलप, बिकॉज आर ह्यूमन पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड. हम लोग और चीज़ें छोड़ देते तो हम तीन चीज़ों पर एम्फोसाइज करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल. ऑलराइट, दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन. ये आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो कि आप क्या एक बेहतर हो, नागरिक हो एक देश के, क्या आप एजुकेटेड हो, क्या आप हेल्दी हैं, या फिर आपके अंदर कोई स्किल है या नहीं है. अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी एक कंट्री के नागरिकों में है, इट मीन्स वो दैट नेशन विल एडवांस, विल डेवलप. ऑन द अदर हैंड, इफ अ कंट्री डज नॉट, द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री डज नॉट पोजेस दीज क्वालिटीज, दे विल नेवर एडवांस. ऑलराइट, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ दीज कंट्रीज इज इसमें, ये तीनों चीज़ों में हम इसको कंपेयर करें. तो ये तीनों ही जो आपके ट्रेड्स हैं उनको आप याद रखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल. सो इफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज एजुकेटेड, इज हेल्दी एंड इज ट्रेन्ड एंड स्किल्ड, देन दैट कंट्री विल डेवलप, एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री विल नोन एज रिसोर्स. दैट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज ए रिसोर्स. ऑन दी अदर हैंड, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इफ इट इज नॉट एजुकेटेड, इफ इट इज नॉट हेल्दी, लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं और उनके अंदर कोई स्किल और नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनको नहीं मिली है. इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई उनकी सही से नहीं हुई है. इट मीन्स दैट पॉपुलेशन इज जस्ट अ पॉपुलेशन एंड इट इज नॉट अ रिसोर्स, एंड दैट कंट्री विल नॉट डेवलप. तो आई होप इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा. दैट्स वाई अफ्रीकन कंट्रीज आर लैगिंग बिहाइंड, वहाँ पे बीमारी है, भुखमरी है, एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड नॉलेज नहीं है. वेर एज यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज दे आर एडवांसिंग बिकॉज देयर पॉपुलेशन पोजेस ऑल दीज थ्री क्वालिटीज. सो वॉट इज पीपल एज अ रिसोर्स? पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स दैट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किल्ड, देन दैट पॉपुलेशन इज नोन एज अ रिसोर्स. एंड वाई इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स? बिकॉज अगर किसी पर्सन में ये तीनों क्वालिटीज होंगी तो वो क्या करेगा, ही विल बी प्रोडक्टिव. तभी तो आप प्रोडक्टिव, मतलब तभी तो आप उत्पादन कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे. सपोज मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर, बट अगर मैं एजुकेटेड नहीं होती तो क्या मुझे टीचर की जॉब मिलती? नहीं मिल पाती. और चलो मैं एजुकेटेड हो गई और मुझे जॉब भी मिल गई, इफ आई एम नॉट हेल्दी, अगर मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ, मैं बार बार छुट्टी ले रही हूँ, तो उससे आपका भी नुकसान होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी मेरे हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वहां पर भी सरकार जो है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सरकार मेरे ऊपर ही थोड़ी कर रही है, लेकिन जो भी, क्योंकि खैर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो मेरा खर्चा किस पे हो रहा है, हेल्थ के ऊपर हो रहा है. और अगर मेरे पास कोई स्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी. इट मीन्स दैट आई एम नॉट प्रोडक्टिव, मैं कोई नौकरी नहीं कर पाऊंगी ढंग से, ना मैं पैसे अर्न कर पाऊंगी. और आपको पता है जो हमें सैलरी मिलती है उसी से सड़कें बनती हैं, उसी से हॉस्पिटल, स्कूल सब बनाए जाते हैं, बिकॉज वी पे पार्ट ऑफ आवर सैलरी एज ए इनकम टैक्स. अब आप खुद खुद अपना अंदाजा लगा सकते हो. अभी तो हम आपको रिसोर्स नहीं कह सकते बिकॉज यू आर नॉट इन द एज ऑफ अर्निंग मनी, बिकॉज दिस इज योर पीरियड वेयर यू आर अटेनिंग नॉलेज एंड यू आर गेनिंग यू नो आपको नॉलेज और ये सब चीज़ें जो है मिल रही हैं. बट आफ्टर यू नो पासिंग क्लास 12, जब आप कोई स्किल और ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है ना, तब और आपकी हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो.
अगर आज से 10 साल बाद जब आप मान लो 15 ईयर्स आपने क्रॉस कर लिया, क्योंकि तो 15 साल तक माना जाता है पढ़ाई की एज, उसके बाद भी मान लो 20 साल के आप हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, बट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप आपकी हेल्थ सही नहीं है और आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने देश के लिए रिसोर्स नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों में से सब लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जॉब मिलेगी, बहुत ही कुछ जो होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया, पढ़ने में अच्छे होंगे, मेहनत करेंगे, तो उनको तो जॉब मिल जाएगी, और जो नहीं मिलेगी इसका मतलब वो रिसोर्स नहीं है, जिनको मिल गई वो रिसोर्स माने जाएंगे, ठीक है? तो ये आई होप मैंने आपको पीपल एज ए रिसोर्स का जो है मतलब बता दिया। पीपल एज रिसोर्स जब भी हम पढ़ेंगे, पीपल एज रिसोर्स मीन्स प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये बात याद रखना। व्हाट इज पीपल एज रिसोर्स मीन्स? इट मीन्स प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब वो पॉपुलेशन देश की जो कि प्रोडक्शन कर रही है, कुछ काम कर रही है और अर्न कर रही है और अपने कंट्री को सपोर्ट कर रही है, तो उसे हम पीपल कहेंगे, उसे हम रिसोर्स कहेंगे उस पॉपुलेशन को। एंड हाउ पीपल बिकम एज ए रिसोर्स? थ्रू एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजी एक्वायरमेंट के बाद ही लोग रिसोर्स बनते हैं, ठीक है? एक अनपढ़ आदमी, एक बीमार आदमी और एक ऐसा आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, वो अपने देश के लिए कभी भी रिसोर्स नहीं बन सकता, उल्टा वो बोझ बनेगा, ठीक है? अब हम थोड़ा सा इतना इंट्रोडक्शन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन तो आप जानते हो क्या होता है, कैपिटल मीन्स पूंजी, मानव भी एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारे लिए। हम कहते हैं ना कि भूमि, लैंड, ये सब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनसे हमें बहुत कमाई होती है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए जो मनुष्य होता है वो सबसे बड़ी पूंजी है। अगर एक जैसे मैंने आपको इतना सारा बता दिया अभी आपको कि अगर मनुष्य पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, स्किल टेक्नोलॉजी है, बेटर हेल्थ में है, तो वो अपने देश के लिए पैसे कमाएगा और अपने देश को सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। सो मनुष्य पूंजी, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? सो ह्यूमन कैपिटल मीन्स व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन देम। नाउ ह्यूमन कैपिटल, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप भी ह्यूमन कैपिटल हो बिकॉज योर फैमिली इज इन्वेस्टिंग इन यू। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को आगे चल के इतना पैसा मिलेगा ये, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, हम LIC लेते हैं है ना, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विच योर पेरेंट्स आर मेकिंग इज इन यू, इन द फॉर्म ऑफ फीस विच दे आर पेइंग इन योर एजुकेशन, लेटर ऑन दे विल पे फॉर योर ट्रेनिंग एंड योर मेडिकल केयर। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाई योर पेरेंट्स। आपको लगता है कि आप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या आप सोचते हो कि हम बस स्कूल घूमने के लिए आते हैं, हम पढ़ाई भी टाइम पास में कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स जो 12 साल आपको पढ़ाते हैं, नर्सरी KG छोड़कर फर्स्ट क्लास से भी आपको पढ़ा रहे हैं, एवरी ईयर दे आर पेइंग, तो आपको सिर्फ घूमने के लिए थोड़ी भेजते हैं स्कूल में, दे आर सेंडिंग यू स्कूल, दे आर पेइंग फॉर योर फीस, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं ना, पैसे आप में लगा रहे हैं वो। So what is this? This is to, so that you can become a human capital. आगे चल के जब आप 12 साल पढ़ के निकलेंगे 12th class, उसके बाद आपको वो आप बोलेंगे कि हमें भाई MBBS में इंटरेस्ट है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें जो टीचिंग करनी है, तो फॉर अकॉर्डिंग टू योर स्किल, योर इंटरेस्ट, दे विल पे फॉर योर स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अभी वो स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, बाद में चल के आपके लिए स्किल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए वो पे करेंगे। जो इंजीनियरिंग में जाएगा उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कढ़ाई बुनाई, तो उसके लिए वो पे करेंगे। आप कुछ और स्किल करना चाहते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, आप कोई और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, ताकि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको जॉब मिल जाए, तो वो क्या है, वो स्किल और ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन कभी भी आप बीमार होते हो या कुछ ऐसे, तो उसमें जो वो पे करते हैं वो आपका मेडिकल केयर के लिए, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये क्या है, आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट लेटर ऑन यू कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल, आप मानव पूंजी बने। पूंजी मतलब पैसे। अगर आप अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, मान लो आपकी फीस पे कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, अगर आप आगे चल के पढ़ लिख गए, अच्छा पढ़ लिख गए, आप में स्किल एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, आपने कुछ करके आगे चल के ट्रेनिंग कर ली, किसी लड़की ने मान लो डॉक्टर MBBS की ट्रेनिंग कर ली, पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो डॉक्टर बन गई, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स कि जो आपके पेरेंट्स ने आप में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, नाउ यू हैव बिकम अ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि उसके बाद जब आपको जॉब मिलेगी तो आप पैसे अर्न करोगे,
और वो आपके लिए रिटर्न होगा कि जो आपके पेरेंट्स ने इतने आपके पैदा होने से लेके आज तक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, अब आप वो रिटर्न कर रहे हो। इट मीन्स दैट यू हैव बिकम ह्यूमन कैपिटल, आप मानव पूंजी बन चुके हो। और अगर आप इतना करने के बाद कुछ नहीं कर रहे हो, आइडल बैठे हो, कुछ नौकरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो बेकार चला गया, क्योंकि तो आपने रिटर्न में कुछ नहीं कमाया। ऑलराइट, सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन द पीपल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो जो आपके पेरेंट्स आपकी फीस देते हैं एजुकेशन में, आपकी ट्रेनिंग और स्किल करवाने में जो वो पे करेंगे, प्लस आपकी मेडिकल केयर में जो पैसे लगाएंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन यू एंड इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी क्या होती है? मानव पूंजी वो होती है जो एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमंस के एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट में। सो बेसिकली इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। तो जो आप सीखते हो, जो आप में एक प्रोडक्टिव क्षमता डेवलप होती है, उसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। लाइक आई एम अ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन आई एम अ यस आई एम अ ह्यूमन कैपिटल। व्हाई? बिकॉज आई एम अर्निंग समथिंग फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई कंट्री। इस जो मुझे सैलरी मिलती है उससे मैं अपना भी खर्चा उठाती हूँ, अपने घर का भी उठाती हूँ, एंड देन आई एम पेइंग इनकम टैक्स जिससे हमारे देश का भी भला होता है। सो आई एम ह्यूमन कैपिटल। वॉट एवर माई पेरेंट्स हैड इन्वेस्टेड फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई बी एड कोर्स जो मैंने किया, बी एड जो आप जानते हो टीचिंग का कोर्स होता है, उसमें जो उन्होंने पैसे लगाए, प्लस आज तक जो मेरा हेल्थ का जो भी उनका हुआ है खर्चा, तो उनने जो भी मेरे लिए किया, मेरे लिए मेरे को वैक्सीनेशन लगवाया होगा, मेरे हेल्थ के ऊपर जो भी देख रेख के लिए किया होगा, सो दैट इज आई एम रिटर्निंग देम बैक फॉर आई एम रिटर्निंग दिस टू माई कंट्री ऑल्सो। सो आई एम ह्यूमन कैपिटल। बट सपोज इतना करने के बाद मैं कुछ नौकरी नहीं करती, इट मीन्स कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे, मेरी जो बीएड की ट्रेनिंग है उस पे जो खर्चा किया वो वेस्ट चला गया। सो आई एम नॉट ह्यूमन कैपिटल। ऑलराइट, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग माय स्किल ऑफ टीचिंग इन अ प्रोडक्टिव वे, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब वो आप छू कर नहीं देख सकते, बट मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव थिंग विच आई एम डूइंग विद यू। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन पूंजी क्या होती है। जब भी ह्यूमन कैपिटल का नाम आएगा तो आप उसको याद रखिएगा, विद द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, एंड इट इज ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑन ऑल दीज थ्री, इन्वेस्टमेंट ऑन ऑल दीज थ्री इन अ ह्यूमन बींग इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। नाउ पीपल एज रिसोर्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो इट मीन्स दैट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विच इज प्रोडक्टिव, विच इज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव इज नोन एज अ एज ए रिसोर्स। तो सिंपल सी बात यही है कि पीपल एज रिसोर्स, किसी भी देश की जनसंख्या जब काम काज करती है, उसमें स्किल होती है, उसमें एबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता होती है, तो उस जनसंख्या को हम संसाधन कहते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। सो दिस इज द ये जो है आपका डिफिनेशन है पीपल एज ए रिसोर्स की। तो दिस इज पीपल एज ए रिसोर्स, ये इसकी डिफिनेशन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। सो बेसिकली पीपल एज रिसोर्स में हम क्या लेंगे, प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। जिस भी देश की जनसंख्या ज्यादा प्रोडक्टिव होती है उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। देखो जैसे हम अपनी देश की व्हेन एवर वी टॉक यू नो पॉपुलेशन, वी ऑलवेज थिंक दैट लार्ज पॉपुलेशन इज ए नेगेटिव थिंग। ऑलराइट, बट इफ यू आर नॉट, इफ योर गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट वेरी गुड, इफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, देन ओनली इट बिकम्स अ बर्डन। अभी से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में और चाइना की पॉपुलेशन में आप कंपेयर करिए, चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट, बट यू कैन सी दैट चाइना इज डेवलपिंग वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू इंडिया। वाई? बिकॉज चाइनीज पीपल हैव डोंट दे उनका जो एक एटीट्यूड है वो ये नहीं कि हमारी जनसंख्या जो है हमारे लिए बर्डन है, वो उनसे काम करवाते हैं और एज ए रिजल्ट चाइना बहुत डेवलप कर रहा है। बट हमारे देश में जो है एक थिंकिंग है कि जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम उसका जो हमारी पॉपुलेशन उसको हम जब सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए फिर बर्डन बन जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज वी आर नॉट, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन को फूड,
एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन बन जाती है. नहीं तो ह्यूज पॉपुलेशन इज नॉट अ बर्डन इफ वी आर इफ वी यूटिलाइज देम इन अ प्रॉपर मैनर. व्हेन द अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. आपके पहले भी जो आपके पेरेंट आपके दादाजी जो लोग होंगे उनके छः छः बच्चे होते होंगे, 6, 7, 8, 10 ऐसे बच्चे होते हैं लेकिन होते थे. लेकिन अगर आप देख महसूस करेंगे तो वो 6, 7, 8 जो बच्चे होते थे ना, अगर उसमें मान लो 3, 4 लड़के भी हैं तो सारे के सारे लड़के इतने मतलब मेहनती होते थे कि वो कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाती थी. आज के टाइम में वो सब गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं है. मतलब जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे जैसे 6, 7 भाई थे, मतलब नहीं 4 भाई और 2 सिस्टर, जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात मैं अपने फादर की बात करूँ तो. लेकिन क्या था कि उस समय के बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि इतनी बड़ी इतने ज्यादा बच्चे होने के बावजूद भी सबने जो है ये नहीं था कि पेरेंट्स उनको कह रहे हैं तभी वो करेंगे. उन्होंने खुद अपने आप से मेहनत की, एफर्ट किया, क्योंकि उस समय के पेरेंट्स भी इतने बहुत ज्यादा अलर्टेड नहीं होते थे ना, कि जैसे आज के टाइम में हम बच्चों को बहुत गाइड करते हैं कि तुम ये करो तुम ये करो तुम इतना पढ़ना है ना. टीचर्स भी बहुत कह रहे हैं लेकिन तब भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं. तो उस समय बिना गाइडेंस के भी करते थे और जो है वो काफी उन्होंने अच्छा किया, और सब गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम में. और आज आप देखिए घरों में दो दो बच्चे होते हैं और उनको भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. दो बच्चे वो भी बिगड़ जाते हैं, ना उनको पढ़ाई करनी है ना उनको लिखाई करनी, कुछ नहीं करना है. तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन जो है आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उस पॉपुलेशन को, अगर आपके घर में एक बच्चा भी अगर उसको सही से हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और आपके घर में 10 बच्चे हैं वो भी अगर सही निकल जाते हैं तो फिर वो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना. तो किसी भी देश में जब जब गवर्नमेंट जो है या जो वहाँ का सिस्टम है अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को जब हैंडल नहीं कर पाता है अपनी, तो वो पॉपुलेशन उसके लिए बर्डन बन जाती है. और अगर उसे आपने सही से हैंडल किया वो वही पॉपुलेशन आपके लिए बेहतर साबित होगी. ठीक है. सो द व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्रेजेंट है और उस ह्यूमन रिसोर्स को हमने और पढ़ाया लिखाया और उसको हेल्दी किया तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब हमने अपनी जो है जनसंख्या को पढ़ा लिखा के और बेहतर बना रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. अगर आप मनुष्य में को एजुकेशन दोगे, अगर आप इन्वेस्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपके मैंने भी एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स आपकी पढ़ाई लिखाई आपके स्किल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड आपकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो, और उनके पास एक जमीन भी है, ठीक है, मान लो आपके पेरेंट्स आप पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जमीन भी खरीदी, तो जमीन क्या होगी, व्हाट इज लैंड, लैंड इज ए फिजिकल कैपिटल और आप क्या हो, ह्यूमन कैपिटल हो. तो ऐसा नहीं कि उन्हें जमीन से रिटर्न मिलेगा. आज के 50, 20 साल बाद वो अपनी जब जमीन बेचेंगे तो उनको मान लो करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आप पर किया है वो आप उनको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा. अगर उनका बच्चा पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह पे चला गया तो वो फिर वो जिंदगी भर कमाएगा और उससे आपके पेरेंट्स को और देश को ज्यादा बेनिफिट होगा. तो जैसे फिजिकल कैपिटल होती है, लैंड हो गया आपका या फिर जो भी आपका घर है, ये सब फिजिकल कैपिटल है. लेकिन फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छे से डेवलप हो गई तो वो उससे आपको काफी फायदा होगा और वो आपको बदले में रिटर्न भी देगा. भी अगर मान लो मेरे मेरा बच्चा है पढ़ लिख के कल को कुछ अच्छा बन गया हो और वो सैलरी कमा रहा है तो फिर वो हमारे घर में भी तो उसको यूज करेगा ना, हमारे ऊपर भी खर्च करेगा और घर की बेहतरी के लिए करेगा. तो जैसे लैंड आपको फायदा पहुंचाती है वैसे ही घर के बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन गए तो वो भी आपको बदले में काफी अच्छा रिटर्न देते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल समझ जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फिजिकल कैपिटल. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल. और ये इस बात से प्रूफ होता है कि आप खुद देख लो कि सपोज एक आईएएस ऑफिसर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है या एक आईटी प्रोफेशनल है, ऑल दीज पीपल आर अर्निंग मोर मनी बिकॉज दे आर हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड पीपल. हम लोग जो है ज्यादा पैसे कमाते हैं क्यों, और हमसे भी ज्यादा, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी सैलरी से ज्यादा अच्छी सैलरी किसकी होगी, आईटी प्रोफेशनल की होगी, बिकॉज उसने ज्यादा ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग ली है हमसे, उसने आईटी की फील्ड में ट्रेनिंग ली है. एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, एक आईएएस ऑफिसर और अच्छे पैसे कमाएगा, ठीक है. वाई, बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड पीपल एंड दे हैव यू नो एक्वायर्ड मोर स्किल एंड ट्रेनिंग. उन्होंने कोई ना कोई ट्रेनिंग और वो ले रखी है, स्किल डेवलप कर रखा है, इसलिए उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं. और ऑन दी अदर हैंड जो लेबर का काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेले पे लेके सब्जियां बेचते हैं, वो क्या है,
क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उन्होंने कोई स्किल और टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं की, दैट्स वाई दे आर पुअर एंड दे आर अर्निंग लेस मनी। ये बेसिक डिफरेंस है। और उसी तरह से हेल्थ भी इफेक्ट करता है। मैं कोई इंसान बहुत पढ़ ले गया लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो भी वो नौकरी नहीं कर पाएगा। इसलिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग अ पर्सन प्रोडक्टिव। अगर आप बीमार हो गए, आप कितने भी लाखों रुपए कमाए तो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? आपकी बीमारी के ऊपर। इसीलिए जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपका हेल्थ का भी जो है अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। सो पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। दैट्स व्हाई अ कंट्री शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड यू नो टेक्निक स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो हमें हमेशा अपने देश के लोगों को जो है सरकार को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने लोगों को ट्रेन कर रहा है। अब आप देखिए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यही चीजें दी हुई हैं कि अब आप 10th लेवल से ही जो है 9th लेवल से ही या 10th लेवल से ही स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो आप प्लम्बर है, चाहे आप ये जो लकड़ी कारपेंट्री का काम करते हैं या जो आप टेलरिंग का काम, ये सब आप सीख सकते हो। ठीक है। ताकि कल को जाके आपके हाथ में कोई हुनर हो, ट्रेनिंग हो। अब बहुत लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें एक ट्रेनिंग नहीं मिली है ना। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग है कोई, अगर आप मान लो कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स जानते हो या फिर आप कपड़ा सिलने का काम जानते हो, तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। किसी भी काम कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी कोई दुकान खोल के या सड़क पे कहीं करके आप अपना जो है रोजगार स्टार्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। लेकिन सबसे बुरा कौन फंसता है? जिसके पास कोई भी स्किल एंड ट्रेनिंग नहीं होती। मैं स्किल एंड ट्रेनिंग में सिर्फ हाइट लेवल की बात नहीं कर रही हूँ कि आप सीधा इंजीनियर बन गए, आप सीधा मैनेजमेंट मैनेजमेंट में चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट लेवल ऑल्सो। एक बार्बर की बाल काटना, ये भी एक ट्रेनिंग है। हर आदमी बाल नहीं काट सकता, है ना। हर आदमी कपड़ा नहीं सिल सकता, हर आदमी ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग नहीं ले सकता। उसको आईब्रो बनानी नहीं आएगी, उसको बाल काटने नहीं आएंगे, मेकअप करना नहीं आएगा। अगर मान लो मेरे को अच्छा डांस आता है तो मैं अपनी डांस स्कूल खोल सकती हूँ। मुझे अच्छा सिंगिंग आता है तो मैं सिंगिंग स्कूल खोल सकती हूँ। मुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं अपना खाने का, देखो यूट्यूब चैनल्स पे आपको कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो खाना बना बना के वो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने में। तो आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्किल हो। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आता है तो फिर जो है, और वो जो स्किल है आप उसको और तराश सकते हो, उसको और बेहतर बना सकते हो थ्रू जो है कहीं किसी भी जगह पे ट्रेनिंग और कोर्स करके। तो ये हो गया आपका। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हायर हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब जितने लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे जिस देश में, जितना हेल्दी होंगे उतने ही ये चीज लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी फैलेगी। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। मीन्स ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन कैपिटल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिजिकल कैपिटल। जैसे हम लोग लैंड है, वाटर है या और दूसरे रिसोर्सेज से हम ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम जो है मनुष्य जो है वो लैंड और कैपिटल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पैसे और लैंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिना लैंड और कैपिटल कुछ भी नहीं है। सो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमन बींग्स आर सेंट्रल टू एवरीथिंग। ह्यूमन बींग्स से ही रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स से नहीं है। अगर ह्यूमन बींग्स से तभी रिसोर्स हो पाएंगे, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तो रिसोर्स का भी कोई मतलब नहीं बनता है। सो ह्यूमन बींग्स कैन यूज एवरीथिंग, लैंड एंड कैपिटल, बट लैंड एंड कैपिटल ह्यूमन बींग्स के बिना कुछ नहीं है। तो ये इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ सकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास। ये दो लोगों की स्टोरी है। दो एक ही गांव में दो लड़के रहते थे, और टू फ्रेंड्स विलास एंड सकाल लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। ठीक है। अब इसमें मैं आपको पढ़े बिना बता देती हूँ। सकाल जो होता है वो भी काफी गरीब घर का होता है और 12 साल का लड़का है। उसकी जो मदर है वो नौकरानी का काम करती है दूसरे घरों में, और उसका जो फादर है वो खेतों में काम करता है। जो उसकी मदर है ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, और अपने छोटे भाई बहनों का भी ये जो बच्चा ध्यान रखता है सकाल। और इसके जो अंकल है उन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, और इसके जो फादर हैं वो हमेशा से चाहते थे सकाल के कि वो पढ़ाई लिखाई करे। तो उन्होंने उसको गांव के प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, और धीरे धीरे वो उसको काफी इंटरेस्ट भी था पढ़ने में, तो उसने काफी अच्छी पढ़ाई की, उसकी हेल्थ भी बेहतर थी। तो उसने जो है मतलब आराम से उसने अपना 10वीं 12वीं क्लास निकाल लिया। उसके फादर ने मतलब लोन लेकर उसको पढ़ाया।
फिर उसने उसके फादर को, फिर उसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था तो उसने कंप्यूटर में अपना नाम लिखवाया। और इसका नतीजा क्या निकला कि उसको जब उसने कंप्यूटर में नाम लिखवाया तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको स्किल और ट्रेनिंग मिली कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर उसको एक फर्म में जॉब मिल गई, प्राइवेट नौकरी मिल गई, जहाँ पे उसने एक नई नई तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया अपने आप, और उसके बाद उसकी प्रमोशन हो गई और उसको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। देन वही दूसरा एक उसके गांव का ही लड़का था जिसका नाम था विलास, ठीक है। विलास 11 साल का लड़का था, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब वो 2 साल का था। उसकी मदद जो है वो मछली पकड़ती थी और उसको बेचकर ही उसकी इनकम होती थी। और जो विलास था वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता था। और उसके बाद जो है, लेकिन जो विलास था उसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसको उसकी मदर ने भी कोई एफर्ट नहीं किया कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज दे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो इतनी अकल होती नहीं हो, तो उनको ना पढ़ने को मैं तो खुश जाते हैं। तो उसकी मदर की तरफ से भी कोई मतलब पहल नहीं हुई। देन उसको विलास जो था उसको बाद में चल के अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस मतलब जो जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है। देन उसकी माँ उसका इलाज भी नहीं करवा पाई, वो ना स्कूल जाता था ना पढ़ता था, बस घर में रह के खाना बनाना और अपने भाई को का देखभाल वो करता था। फिर उसकी मदर भी बीमार पड़ गई और कोई भी उसकी फैमिली में नहीं था जो उसको मतलब पूरा संभाल पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो विलास था वो बेचारा मजबूरन मछली बेचना शुरू कर दिया उसने अपनी माँ की जगह, क्योंकि माँ बीमार पड़ गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसकी माँ कम इनकम अर्न करती थी और गुजारा करती थी, उसी तरह से लास्ट में उसके बेटे का भी वही हाल हुआ, ठीक है। अब आप इन दोनों ही स्टोरी से क्या एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या एनालाइज कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो विलास और सकाल की स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है, बताइए। मैम की जो शकल था उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बने, और उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट था। और जो मैम विलास था उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, उसके मम्मी पापा ने भी उस पर कोई वो बोला नहीं कि जा पढ़ ले वगैरह। इसलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मैम साक्षी ओके, साक्षी ने आंसर बताया, बहुत अच्छा बताया। तो साक्षी आप मुझे बता सकते हो, या कोई भी बच्चा, जैसा आपने कहा कि दोनों ही स्टोरी में अगर मैं 3 वर्ड्स आपसे पूछूं कि सकाल के पास 3 ऐसी चीजें उसने क्या एक्वायर की जो विलास ने नहीं की, और उसकी वजह से सकाल अच्छी कंडीशन में आ गया, इनकम अर्न करने लगे, लेकिन विलास नहीं कर पाया। इस दोनों ही स्टोरी से बस 3 वर्ड्स आपको बताने, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे कि ह्यूमन कैपिटल किन चीज 3 चीजों में इन्वेस्ट करता है। तो सकाल की किन तीन चीजों में मैम, इन्वेस्ट? हाँ हेल्थ स्किल्स, यस यस, मैम एजुकेशन, वेरी गुड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, साक्षी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। साक्षी ने दिया ना? यस मैम, हाँ, तो लगता है एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी जो इतना कोई बेटा टफ तो है नहीं, सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, सबको आंसर करना चाहिए। सो द बेसिक 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास, इसमें ये आपको समझाया समझाने के लिए बताया गया आपको कि हाउ इन सकाल्स केस इन्वेस्टमेंट वॉज मेड। उसके फादर ने लोन लेकर उसको एजुकेशन दिया, उसका स्कूल में एडमिशन कराया, फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलाई। तो स्कूल में जो उसने पढ़ाई की वो क्या था आपका, एजुकेशन अटेंड किया। कंप्यूटर में जो उसने पढ़ा वो उसने ट्रेनिंग ली, स्किल डेवलप किया, और वो बीमार भी नहीं था, उसकी मेडिकल केयर में भी इतना खर्चा नहीं हुआ। ऑलराइट, तो सकाल के केस में देयर वाज इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, बट ऑल ये सारी चीजें विलास में नहीं हुई। दैट्स व्हाई विलास जो था उसने सफर किया, और लास्ट में उसका भी वही हाल हुआ, जो गरीबी में ही वो रह गया, वेयर सकाल जो है वो अच्छी कंडीशन में पहुंच गया। सो ये आज का जो है आपकी क्लास खत्म होती है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक वर्क। सारे बच्चे जो हैं अपनी नोटबुक का काम कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉपी नहीं मंगाई, नेक्स्ट वीक मैं आपसे मंगवाऊंगी कॉपी, और उसको आपको टाइमली जो है सबमिट करनी पड़ेगी। सो थैंक यू क्लास, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन ओके आस्क मी राइट नाउ। अभी रुको, अटेंडेंस दे देना मुझे। फिलहाल मैम, आप अपनी कॉपीज जो है ना फोटो खींच कर ना मेरे गूगल क्लासरूम पे जो है आपको सेंड करनी है, ताकि मैं उसका करेक्शन कर पाऊँ।